ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਫਰੈਸ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਮੈਸ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ 3 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। क्या बात क्या हुई थी? बात ये हुई सर, हम मैस में आराम से खाना खा रहे थे तो पीछे से 10-12 बंदे आ गए जिनके मुंह पूरे ढके हुए थे। तो उन्होंने उनके पास छुरियाँ थी, उनके पास तलवारें थी, उनके पास राड थे, डंडे थे। तो हम 5-10 छोटे छोटे बच्चे, मतलब हम फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के बच्चे हैं वहाँ पे। तो खाली हम 5-8 बंदे थे वहाँ पे खाना खा रहे थे। पीछे से पता ही नहीं आ गए बंदे 10-12, तो उन्होंने सीधा ही हम पर वार किया पीछे से। तो जब तक हम गेट पे पहुँचे, मेन गेट पे जो मैस का मेन गेट है, तब तक उन्होंने हमें बहुत पीटा है। मतलब छुरियों से भी वार किया, तलवारों से भी, डंडों से भी। तो जब मुझे लगा कि मैं बचने वाला नहीं हूँ, जब यहाँ तक तलवार आ गई तो मैंने सीधे छलांग मारी। मैस का जो पहला वो है सीढ़ी, उसी से मैंने छलांग मारी बाहर उस पे ग्राउंड पे। तो मेरा पैर टूट गया वहाँ ही। तो फिर मैं चल ही नहीं पाया, मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो चल ही नहीं। हमने बहुत चलाया, हमने बोला बचाओ बचाओ बचाओ, कोई गार्ड सामने नहीं आया, कोई भी नहीं, कोई भी आया ही नहीं। खाली 2-3 बंदे थे जो हॉस्टल में गए थे, वही आ गए, वो हमारे ही बंदे थे। तो कोई गार्ड सामने नहीं आया। फिर क्या हुआ, इसको हम गेट पे, इसको गेट पे ले गया, इसको इस बंदे को गेट पे ले गए। ये बहुत ज़ख्मी था उस टाइम। तो क्या हुआ, वहाँ पे जो उसका नाम दिलो सर है, उसने बोला, वो मोबाइल में बिजी था, हम बोल रहे हैं सर गाड़ी लाओ गाड़ी लाओ, वो कुछ कर ही नहीं रहा था। कौन सर? उसका नाम तिलो सर है। वो कहाँ पढ़ाते हैं? वहाँ पे प्रोफेसर है, हॉस्टल हेड सर, हॉस्टल वो है, हॉस्टल हेड है सर। तो फिर क्या हुआ, तब तक इसका खून बहुत लाश हो गया। फिर उन्होंने, हमने गाड़ी को भी लात मारी, वो किया ये किया, तब उन्होंने जाके हमें चाबी दी। जब तक हमने फिर गाड़ी स्टार्ट की, तब तक इसका खून बहुत लाश हो गया। कहाँ के रहने वाले हो सर? हम कश्मीर के रहने वाले। पे कहाँ पे पढ़ते हो सर? डोबा कॉलेज में सर। खरड़ में? खरड़ में सर। अभी क्या डिमांड करते हो? अभी यही, हमें इंसाफ चाहिए, उन बंदों को पकड़ने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से, हमें, आप लोगों से यही गुजारिश है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ लिए। आपको क्या लगता है अभी वो हथियार कैसे अंदर आए होंगे सर? जो आप बोल रहे हो छुरियां तलवार, वो कहाँ से लाए होंगे सर? अपने साथ लाए हुए, हमें वो सब पता नहीं है। हमें बस इतना पता है कि हम पे वार हुआ है सर। क्या नाम है आपका? इरशाद। क्या हुआ था आपके साथ? सर मुझे पीटा वहाँ पे। कहाँ पे पढ़ते हो, क्या बात? दो कॉलेज में पढ़ते हैं हम खाना खा रहे थे मैस में, पीछे से 5-10 बंदे आ गए, उन्होंने हमारे हमें पर मारा। जानते हो कौन लोग हैं वो? एक दो के नाम जानते हैं। क्या बात क्या हुई है? बात कुछ नहीं, हम स्टेज पे नाच रहे थे, पार्टी हो रही थी, वो सीधा स्टेज से नीचे उतरे और हमारे ऊपर गिरना स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे झगड़ा ख़त्म हो गया। फिर शाम के टाइम मैस में भी वो आ गए, खाना खाने के टाइम, तो उन्होंने हमें पीटा। हम आधे भागे, मुझे पीछे सिर में मारा उन्होंने, मैं वहाँ पे गिर गया। फिर 10-15 लोग आ गए थे, उनके हाथ में तलवार भी थी, वो छुरी वुरी और डंडे भी थे, आयरन रॉड, उनसे पीटा। सर एक की मसला है जी दुआबा कॉलेज? इन्हें कल फ्रैशर पार्टी सी अपने दुआबा कॉलेज के, उत्ते दो गुटों के विचकार लड़ाई हो गई, जिसे सामने कार्रवाई की जा रही। सर कोई अरेस्ट पई? नहीं, अरेस्ट नहीं है फिलहाल पई, तो कर रहे हैं जारी। Subscribe to One India channel and never miss an update.